तो इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे एडिटर इन चीफ वाश्विन मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाश्विन जी, अब जिस तरीके से ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है, दिलचस्पी बढ़ गई है कि आखिर किसकी सरकार होगी, तमाम बयान सामने आ रहे हैं और अलग अलग हर तरफ से बयान, क्या लगता है आज शाम को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी इसको लेकर? मुझे लगता है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच में काफी पहले ही एक अंदरूनी समझौता हो चुका था और कांग्रेस और एनसीपी के ताकत के वजह से ही और अंदरूनी समझौते के वजह से ही शिवसेना ने इतना हार्डलाइन लिया, इतनी इस तरह की पोस्चरिंग की और बीजेपी को मजबूर किया कि वह सरकार बनाने से इनकार कर दे। और शिवसेना को पता था कि जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दिया जाएगा राज्यपाल की तरफ से और राज्यपाल के द्वारा दिए गए न्योते पर जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इनकार कर देगी तो उसके बाद राज्यपाल की तरफ से दूसरे दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना एक संवैधानिक बाध्यता होगी। और ऐसी स्थिति में जो अंदरूनी समझौता हुआ है कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच में, उस समझौते के तहत एक कोलिशन गवर्नमेंट महाराष्ट्र में बन सकती है अगर केंद्र सरकार चाहेगी और महाराष्ट्र के राज्यपाल चाहेंगे, क्योंकि अभी भी सरकार बनाने का जो रिमोट कंट्रोल है वो केंद्र सरकार के हाथ में है राज्यपाल के जरिए। और अगर राज्यपाल को लगता है कि जो नया कोलिशन बनने जा रहा है एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के बीच में, वह सरकार बनाकर चलाने में समर्थ रहेगा, तब तो राज्यपाल संवैधानिक तौर पर इस नए कोलिशन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दे सकते हैं। लेकिन ये राज्यपाल का विशेषाधिकार है। अगर राज्यपाल को लगेगा कि जो नया कोलिशन बन रहा है महाराष्ट्र में तो वह सरकार चलाने में सक्षम नहीं रहेगा, तो राज्यपाल विधानसभा को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखने के लिए सिफारिश कर सकते हैं केंद्र सरकार में। और ऐसी स्थिति में विधानसभा 3 महीने के लिए सस्पेंडेड एनिमेशन में रखी जा सकती है और वह जो 3 महीने की अवधि होगी उसमें राज्यपाल शासन लागू रहेगा राज्य में और सभी विधायकों को की सदस्यता बची रहेगी, विधानसभा भंग होने से बची रहेगी और जो लोग सरकार बनाने के इच्छुक होंगे उनको एक मौका मिलेगा कि वो 3 महीने के अंदर फिर नए तरीके से जोड़ तोड़ करके, लॉबिंग करके, खरीद फरोख्त करके, चाहे जो करना चाहे नई सरकार बना सकते हैं। इस तरह का उदाहरण देश में इसके पहले भी कई बार देखने को मिला है, चाहे उत्तर प्रदेश रहा हो या अन्य राज्य रहे हो, जब किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिली है और कोलिशन बनने में विलंब रहा या कोलिशन पार्टनर्स के बीच में आम राय नहीं बनी तो राज्य विधानसभा सस्पेंडेड एनिमेशन में रखी गई और कुछ महीने बाद फिर सरकार बनाई गई। तो महाराष्ट्र में 2-3 विकल्प पर इस समय काम चल रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। पहला तो ये कि राज्य विधानसभा को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा जाए और नए सिरे से शिवसेना के और कांग्रेस के विधायकों को बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश किया जाए। दूसरा विकल्प ये है कि जो नया कोलिशन बनने जा रहा है शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का, उसको सरकार बनाने का मौका दिया जाए और यह इंतजार किया जाए कि जो नया कोलिशन है उसमें इतनी ज्यादा खुद में कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे कि वो आगे चल के सरकार गिर जाएगी और फिर बीजेपी नए संस्करण के साथ महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होगी। और तीसरा विकल्प ये है कि राज्यपाल सीधे तौर पर राष्ट्रपति शासन के लिए रिकमेंड कर दें कि कोई भी पार्टी अब सरकार बनाकर चलाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए राज्य में दोबारा चुनाव कराया जाए और नया जनादेश हासिल किया जाए। लेकिन तीसरे